दोस्तों एज प्रोमिस्ड मैं आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे के प्रोडक्ट्स का अनबॉक्सिंग। ये पार्ट टू है दोस्तों, और अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हैं तो पार्ट वन यहाँ लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उधर जाके आप देख लीजिए, काफी मजेदार है यार। तो पहले शुरू करते हैं छोटे डिब्बे से, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने का मैंने खरीदा और कितने का मैंने बचा लिया। दोस्तों चलिए पहले फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे यार। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं ना कि ये जो रिटेल नेट सेलर है ये फ्रॉड कर रहे हैं बोल रहे हैं, तो चेक करते हैं। मेरा तो सारा रिटेल नेट का प्रोडक्ट जो मैंने मंगाया था सब अनबॉक्स, सब तो नहीं, यहाँ भी रिटेल नेट का दो प्रोडक्ट्स हैं, दो प्रोडक्ट है रिटेल नेट का। देखते हैं कैसे निकलता है, फिर पता चलेगा। ओ ये सही चीज है यार, ये है रियलमी का बैंड, फिटनेस बैंड। ये करीब करीब अभी तो बिग बिलियन डे का ऑफर खत्म हो चुका है, अभी 1300 रुपीज में आ रहा है, लेकिन इसे मैंने खरीदा 999 में, काफी अच्छा डील था। रखते हैं इसको इधर और दूसरे बॉक्स को खोलते हैं। दोस्तों दूसरे बॉक्स में मुझे पता नहीं ये क्या है, मुझे ये तो पता है कि क्या क्या डिलीवर हुआ है, बट मुझे ये पता नहीं है कि इन बॉक्सेस में क्या है। इन बॉक्सेस के स्ट्रक्चर भी देखकर मैं कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं सेम साइज के होते हैं और पता भी नहीं चलता, वेट भी लगभग सेम ही होते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स के, तो आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है कौन कौन बॉक्सेस में। अच्छा गैस कीजिए इसमें क्या होगा, इसका साइज देखिए दोस्तों, क्या लगता है आपको क्या होगा? बहुत हल्का सा बॉक्स है, ऐसा लगेगा भी नहीं कि कोई बड़ी चीज है, छोटी सी चीज है बट उतना छोटा भी नहीं। देखिए ये है दूसरा बैंड रेडमी की तरफ से, मी का बैंड 3i, और हमारे पास हो गया रियलमी का बैंड नॉर्मल बैंड। मुझे पता नहीं रियलमी का कौन सा बैंड है, मैंने बस ऐसे ही मंगा लिया, सस्ते मिल रहे हैं तो मंगा लो यार, क्या दिक्कत है। चलो तीसरा डिब्बा, अब इसमें क्या है मुझे पता नहीं, वजन से लगता है कि कुछ ज्यादा भारी सामान नहीं है, वो ज्यादा भारी सामान है। अब इसको निकालते हैं, चलो हो गया ना, नहीं हुआ। ओ भाई साहब ये काफी सही चीज है यार, ये देखिए अभी मेरे पास इसमें से एक चीज है, वो क्या है आप गेस कर सकते हैं, यहाँ इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं इसी कंपनी का एक चीज लगा हुआ है अभी, वो क्या गेस कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आप ऐसे पकड़ ले रहे हैं कि क्या है वो, तो रिवील कर दूं। दोस्तों ये है स्मिच का स्मार्ट बल्ब, ये स्मार्ट बल्ब है लेकिन मेरे यहाँ जो है वो सिर्फ 7 वाट का है, ये है 12 वाट का एलईडी बल्ब, और इसे मैंने कितने में खरीदा आपको, मतलब अगर मैं आपको बोलूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा। देखिए मुझे लग रहा है कि बिग बिलियन डे में फ्लिपकार्ट का एल्गोरिथम या फिर जो प्राइस सेट करते हैं वो पागल हो चुके थे, ये 300 रुपये में मिल रहा था, जबकि वो 7 वाट वाला एलईडी बल्ब जो इधर लगा हुआ है और ये एलईडी लैंप है वो स्मिच की तरफ से ही, ये 7 वाट वाला बल्ब 500 में मिल रहा था और ये 300 में, बताइए क्या है, एल्गोरिथम पागल हो गया है या फिर फ्लिपकार्ट में जो प्राइस सेट कर रहे थे वो पागल हो गए। अब इसमें क्या है मुझे पता है, क्योंकि 4 आइटम्स डिलीवर हुए थे और 2 अभी लाइन में है, सॉरी और 3 अभी लाइन में है, उन्हें आते आते देर हो जाएगी। बताइए पार्ट 3 का अनबॉक्सिंग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, उनको ऐसे ही रिव्यू में डाल दूं, अनबॉक्सिंग चाहे बनाऊं या ना बनाऊं वो लोग रिव्यू में आने वाले हैं ही, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मजा आने वाला है आगे। अब देखिए दोस्तों ये है बड़ा डिब्बा, बड़े डिब्बे खोलने में जितना मजा आता है छोटे छोटे डिब्बे 10-20 खोलने में भी उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। बड़े डिब्बे में मतलब ऐसा मतलब दिल का कनेक्शन बन जाता है बड़े डिब्बे के साथ, छोटे छोटे 10 डिब्बे अनबॉक्स करने से अच्छा है 1-2 बड़ा डिब्बा अनबॉक्स कर लो, सही है ना। काटते हैं,
यस गाइस बूम, ये है बोल्ट का थंडर हेडफोन। इसे मैंने रिव्यू के लिए सिर्फ मंगाया है, तो देखते हैं यार इसका क्वालिटी कैसा है इसके प्राइस के हिसाब से। प्राइस इसका अभी 1200 से 1300 रुपीस में मिल रहा है बिना बिग बिलियन डे के ऑफर में, लेकिन बिग बिलियन डे के ऑफर में मुझे ये 1000 रुपीस में मिल गया और सुपर कॉइंस मिला के 964 में ये मिल गया मुझे। दोस्तों ये था बिग बिलियन डे प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग पार्ट टू। ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप इधर देख रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू आने वाले हैं इस चैनल पर, और बहुत ही डिटेल रिव्यू आने वाले हैं यार। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स में से इस प्रोडक्ट्स में से कुछ भी चीज़ लेना है तो रिव्यू मिस मत कीजिएगा, क्योंकि शायद आप कोई गलत प्रोडक्ट पकड़ लें और फिर आप उससे फंस जाएं, क्या पता बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं यार उससे। दोस्तों अगर मैं नॉर्मल डे में ये सारी चीज़ें खरीद लेता, ये सारी चीज़ें प्लस पार्ट वन में जो सारी चीज़ें दिखाया था वो सारे और कुछ चार आइटम्स जो आ रहे हैं वो सारे चीज़ों का अगर मैं खरीदता तो शायद मेरा 19000 के आसपास बिल बन जाते, बट बिग बिलियन डे में मेरा सिर्फ 13000 ही खर्च हुआ। तो यार टोटल ऑफ 6000 रुपीस मेरा बच गया। 6000 रुपीस में अगर आप बात करें तो बहुत सारे ऐसे सुपर कॉइंस भी कुछ कुछ मिले हुए हैं, तो सुपर कॉइंस को भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। और ऑब्वियसली अगर आप फ्लिपकार्ट के रेगुलर बायर हैं तो सुपर कॉइंस तो आपके पास होंगी। तो भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए, और ये सारे प्रोडक्ट्स के क्वालिटी रिव्यूज़ देखने के लिए, इन डिटेल रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे। पता नहीं खो जाता है यार, यूट्यूब एक बड़ा ब्रह्मांड सा है, उसमें छोटा सा पत्थर हो जाता है मेरा वीडियो। वैसे भी बड़ा कोई चैनल है नहीं, कोई बड़ा चैनल होता तो अलग बात है, उनका तो वीडियो फ्लोट हो जाते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन मेरा वीडियो को इम्प्रेशन भी नहीं मिलता, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए यार, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।